नमस्कार, घर का शेफ रामार्चना में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मिर्ची का अचार बनाना बताऊंगी। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ताज़ी मिर्ची आ रहे हैं, तो आज मैं आपको उसी का अचार बनाना बताऊंगी। ये अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, कोई कठिन भी नहीं है बनाना। तो इसके लिए जो भी सामान लगेगा मैं आपको बताती हूँ। मिर्चा, ये लाल वाले मोटे वाले मिर्चे, ये मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है। और इसको लेने के लिए बहुत बड़ा मिर्चा नहीं लीजिए, बहुत छोटा नहीं लीजिए, ये साइज बिल्कुल सही है, मीडियम साइज है, ना बहुत ज़्यादा मोटा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है, ना छोटा है, ना बड़ा है। इसी तरह का मिर्चा बहुत अच्छा से भरा जाता है और यही मिर्चा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको आप पहले इसमें से ये, जैसे ये दागी मिर्चा है, इसको निकाल दीजिए। इस सब टाइप के मिर्चे निकाल दीजिए, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़े अच्छे मिर्चे लीजिए। और इसको लेके पहले आप इसको धुल के और 2 घंटे के लिए धूप में डाल दीजिए। मैंने इसको धुल के धूप में डाल दिया था धुल के। अब इसका अचार बनाऊंगी, तो उसके लिए जो भी मसाला चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इसके मसाले के लिए पहले हमको चाहिए धनिया, धनिया 200 ग्राम है, और ये पीले कलर वाला सरसों है, ये सरसों मैंने लिया है 150 ग्राम। आप चाहिए तो ब्लैक भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अचार जो है, अचार का मसाला, वो थोड़ा ब्लैक में हो जाता है, इससे ब्लैक नहीं होगा, पीला ही रहेगा। ये 150 ग्राम है। और सौंफ 100 ग्राम है, जीरा ये भी 100 ग्राम है, अजवाइन ये 50 ग्राम है, और अमचूर पाउडर ये भी 50 ग्राम है। आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, आपको खट्टा जैसा भी पसंद हो। और ये मंगरेल, मंगरेल 25 ग्राम है, मेथी, मेथी भी 25 ग्राम है। इसमें मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, मोटी वाली, और 2 छोटी ये हरी वाली ली है, और 4 लौंग। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और नमक, नमक यहाँ पे मैंने 50 ग्राम लिया है। अभी मैं जब मसाला बना लूंगी तो टेस्ट करके फिर और कम या ज़्यादा फिर कर सकती हूँ, ज़्यादा भी ले सकती हूँ इसको। और मिर्चा मैंने यहाँ 5-6 लाल सूखे वाले मिर्च लिए हैं, इसको भी मैं इसमें डालूंगी तो मसाला और अच्छा तेज बनेगा। और हींग, हींग 1/2 टीस्पून लूंगी। और ये 2 2 टीस्पून ये चीनी है, इसको भी मैं डालूंगी। आप सोचेंगे चीनी क्यों अचार के मसाले में, तो ये मैं अभी बाद में आपको बताती हूँ चीनी क्यों डालूंगी। तो इसमें से कुछ मसालों को हमें पहले भूनना पड़ेगा। ये धनिया को पहले मैं भून लूंगी, सौंफ को भून लूंगी, और जीरा को, अजवाइन को, मंगरेल, मेथी, सरसों और मिर्चे को ये हल्का सा भूनती हूँ। तो चलिए पहले कढ़ाही लेते हैं, कढ़ाही को गर्म करने के रख देते हैं। इसमें धनिया डालते हैं, इसको हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, मीडियम एंड लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, 3 से 4 मिनट इसको, मतलब ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। देखिए क्रिस्पी हो गया है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, बस इतना ही हमको भूनना है। इसको निकाल लेते हैं। अब सौंफ को डालते हैं, सौंफ को भी ऐसे ही भूनेंगे लो से मीडियम फ्लेम पे। इसको भी हल्का क्रिस्पी और जरा सा बिल्कुल कलर चेंज हो जाए उतना ही भूनेंगे। देखिए ये भी क्रिस्पी हो गया, इसका भी कलर चेंज हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। अब जीरा डालते हैं, इसको भी बिल्कुल हल्का ही भूनेंगे। देखिए ये भी भून चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब अजवाइन डालते हैं और मंगरेल डालते हैं। अलग अलग हम इसलिए भून रहे हैं सारे मसालों को अलग अलग, क्योंकि कोई मसाले बड़े हैं, कोई छोटे हैं, तो छोटे वाले तो जलने लगेंगे, बड़े वाले नहीं भून पाएंगे, इसलिए मैं सबको अलग अलग ही भून रही हूँ। अजवाइन और मंगरेल को एक साथ भून रही हूँ। इसी तरह इसको भी हल्का सा बिल्कुल भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको। ये भी हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब मेथी को डालते हैं, इसको भी उसी तरह भूनते हैं। इसके साथ में हम लोग मिर्च को भी डाल देते हैं, ऐसे इसको भी भून लेते हैं। देखिए ये भी हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब सरसों को डाल देते हैं, सरसों को हम भूनेंगे नहीं, गैस को ऑफ कर देते हैं, और कढ़ाई जितना गर्म है बस उतने में ही हम सरसों को भूनेंगे, गैस को ऑन करके नहीं भूनेंगे, कढ़ाई की गर्मी से ही हो जाएगा ये।
इसको भी भून के निकाल लेते हैं, फिर सबका पाउडर बनाते हैं। देखिए सारे मसाले भून चुके हैं, अब इनको मैं मिक्सी के जार में डाल के पीसूंगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूंगी, हल्का सा बिल्कुल दरदरा रहेगा ये। मैंने यहाँ 1 किलो मिर्चे के लिए मसाला लिया है, ये जो मसाला है 1 किलो इसमें मिर्चा आ जाएगा। थोड़ा सा मसाला बच भी जाएगा, 25 ग्राम 50 ग्राम इतना बच सकता है। और मैं अभी आधा किलो मिर्चा लेके आई हूँ, उसको भरूंगी, फिर बाद में आधा किलो और भरूंगी। मैं मसाला अभी से इसका बना ले रही हूँ। देखिए मसाला पीस के तैयार हो गया है, इसको मैं खाली कर देती हूँ। एक बड़ा बर्तन लूँगी, उसमें खाली करूँगी। देखिए बचा हुआ मसाला भी पीस लेती हूँ। देखिए मसाला पीस के तैयार हो गया है, अब इसमें हम लोग बाकी का सब मसाले डालेंगे। ये देखिए अमचूर, अमचूर पाउडर, नमक और हल्दी। मैं बताना भूल गई थी, मैंने 2 टीस्पून हल्दी लिया है यहाँ पे। और ये चीनी, चीनी हम लोग इसलिए डालते हैं कि अचार इससे ख़राब नहीं होता है। किसी भी अचार में आप चीनी डाल देंगे तो अचार ख़राब नहीं होता है। बस बस आप उसको सूखे चम्मच से निकालिए और पानी वाले हाथ से नहीं छूइए, फिर वो अचार कभी ख़राब नहीं होता है। और इस पे तेल डालेंगे, पूरे अचार में हम लोग को 250 ग्राम तेल चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल अभी डालूँगी और बचा लूँगी। इसको अच्छे से मिलाएंगे। हाफ टी स्पून हींग डालूंगी और इसको खूब अच्छे से मिला लूंगी। देखिए बन के तैयार हो गया है, इसमें मैंने तेल बहुत कम डाला है, ये बिल्कुल भुरभुरा है। ये देखिए, अब ये मसाला 1 किलो मिर्चे के लिए है, तो मैं इसका आधा मसाला निकाल लूंगी। मैं आधा किलो बाद में भरूंगी मिर्चे को, और आधा मैं अभी भर के दिखाऊंगी। देखिए अब मिर्चे को हम लोग एक मिर्चा लेंगे और इसको ऐसे काट के इसकी डंडी को अलग करेंगे। और इसको ये देखिए ऐसे ऐसे हाथ ऐसे इसको उल्टा करके इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। इसको मैंने धुल के 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। अब इसको चाकू की सहायता से ये जो दिख रहा है इसको निकाल लेंगे। देखिए ये निकल चुका है, इसमें का बीज निकल चुका है सारा। इसी तरह हम लोग सारे मिर्चे के साथ ऐसे कर लेंगे, इसको भी काट के हाथ से ऐसे करेंगे। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा लगती है आप हाथ में ग्लव्स पहन के इसको करिए। देखिए इसको निकाल लेंगे, सारे मिर्चे को हम लोग इसी तरह कर लेते हैं। देखिए सभी मिर्चे के निकल चुके हैं, ये मिर्चे सब अलग हो गए हैं, बीज अलग हो गए हैं। तो अब हम लोग बीज में से ये निकाल लेते हैं, ये अचार को ख़राब कर देता है। अगर ये अचार में पड़ जाएगा तो अचार जल्दी ख़राब होगा। इसको निकाल लेते हैं और ये जो बीज है इसको चाहिए तो मसाले में डाल दीजिए, या तो अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डालिए, ये ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसको, इसको फिर से अच्छे से मिला देंगे हाथ से। देखिए हो गया है, मैंने इसमें नमक चेक कर लिया है, नमक बिल्कुल सही है इसमें, और नमक नहीं डालूंगी। अब इसको भरना शुरू करते हैं। एक मिर्चा लेते हैं, उसको ऐसे ऐसे अंगूठे की सहायता से इसमें लगाते हैं और इसमें ऐसे मसाले को डालते हैं। और एक पेंसिल लेते हैं, ये पेंसिल लेते हैं, इसको ऐसे करके इसमें ऐसे करके मसाले को पूरा अच्छे से भर देते हैं। ऐसे अच्छे ऊपर तक ऐसे पूरा अच्छे से प्रेस करके ऐसे भर देते हैं। देखिए तैयार हो गया है, अब इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। दूसरे सारे मिर्चे भी ऐसे ही भर लेते हैं। देखिए मिर्चा भर के तैयार है ये, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन अभी इसको हम लोग इसको 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, तेज धूप में 2 घंटे के लिए रख देंगे। या तो रात, अगर धूप नहीं है आप शाम को बना रहे हैं इसको, तो रात भर इसको किसी कपड़े से, कॉटन पतले कपड़े से ढक के ऐसे रख देंगे। फिर सुबह इसमें तेल तेल कुल लगा के डिब्बे में रखेंगे। तो अभी मेरे यहाँ धूप है तो मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दे रही हूँ धूप में।
देखिए 2 घंटे के लिए मैंने इसको धूप में रखा था। अब मैं इसको तेल में डुबा के और फिर डिब्बे में रखूंगी। मैं ये प्लास्टिक का एक डिब्बा ली हूँ, आप चाहिए तो प्लास्टिक का लीजिए, शीशे का लीजिए, जिसका भी चाहिए, लेकिन डिब्बा बिल्कुल साफ हो और पानी इसमें बिल्कुल ना हो। बिल्कुल धूप में सुखाइए और या तो फिर माइक्रोवेव में सुखाइए, तो ऐसा ही डिब्बा चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल ना हो। तो तेल लेते हैं, जो बचा हुआ तेल है वो लेते हैं हम लोग, और एक मिर्चे को इसमें ऐसे लगा के, ऐसे लगा के इसको ऐसे रखते हैं डिब्बे में। ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें मिर्चा पूरी तरह से ऐसे डूब जाए, बस ऐसे सबको लगा के सारे मिर्चों को हम लोग ऐसे रखेंगे। देखिए सारे मिर्चों को मैंने इसमें रख दिया है, अभी भी इतना तेल बचा हुआ है, तो चाहिए तो आप तेल इसमें डाल दीजिए या तो फिर नहीं डालिए। मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा भी बचाऊंगी। देखिए अब इसको 2 दिन के लिए हम लोग इसको ढक्कन पूरा ऐसे नहीं बंद करूंगी, ऐसे करके इसको धूप में 2 दिन के लिए रखूंगी, नहीं तो फिर ढक्कन के ऊपर पानी आ जाएगा, पानी इसमें गिरेगा, फिर अचार खराब होने का डर रहेगा। ऐसे करके तेज धूप में 2 दिन रखूंगी बस, और इसका कलर सेम ऐसे ही रहेगा, मिर्चे का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसमें चीनी डाले हैं और ये खराब भी नहीं होगा। बहुत अच्छा अचार बना है ये, बहुत ही खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप 1 हफ्ते के बाद, 1 सप्ताह के बाद इसको खा सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे करके 2 घंटे के लिए धूप में रखूंगी। अब देखिए जो मिर्चे का अचार हम लोग बनाए हैं, 1/2 किलो मिर्चे का अचार बनाए हैं, और मसाले को मैंने हाफ कर दिया था, हाफ में से इतना बचा है, लगभग 25 ग्राम होगा ये मसाला। तो इसको हम लोग, ये देखिए जो मिर्चा, जो थोड़ा सा दाग था इसमें, थोड़ा सा खराब हो चुका था ऐसा मिर्चा, इसको हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसको यहाँ से काट देंगे और इसको भी नहीं फेंकेंगे, इसका भी मिर्चा निकाल लेंगे, इसका भी हम लोग अचार बनाएंगे। लहसुन की पत्ती में डाल के इसका अचार बनाएंगे, इस मसाले को मिला के, बचे हुए तेल को मिला के और इसको मिला के। तो इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे बनाना है अचार। इस तरह अचार आप भी बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए।